मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एडिट वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल में खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्राइम ब्रांच के ऑफिस जाकर ऐसे ही मामले में सीएम शिवराज सिंह पर एफआईआर दर्ज करने का दबाव बना रहे हैं। यही नहीं, इस मामले में जिला सहकारी बैंक के पूर्व प्रशासक अजीत सिंह ठाकुर एफआईआर दर्ज होने के बाद खुलेआम घूम रहे हैं, पर उज्जैन जिले की खाचरोद थाना पुलिस ने इसी मामले में गजब की जल्दबाजी दिखाई और कांग्रेस के ब्लॉक आईटी सेल के कार्यकर्ता को न केवल गिरफ्तार कर लिया बल्कि उसे जेल भी भिजवा दिया। गुरुवार को 4 दिन बाद उसकी जमानत हुई और उसे जेल से रिहा किया गया। इस दौरान उसके परिजनों और साथी कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर न केवल उसका स्वागत किया बल्कि पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाकर पुलिस की इस कार्यवाही को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित किया है। क्या कर रहा है आबकारी अमला? गाय के लिए बैठा है। दारू इतनी फैला दो पूरे प्रदेश में कि पिए और पड़े रहें। और जिस तरह से आप गिरफ्तारी हुई उसको लेकर आप संतुष्ट हैं क्या? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास आगे से वीडियो आया था, फॉरवर्ड हुआ था, तो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो उसमें जो जिम्मेदार है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। जहाँ से वीडियो आया उसकी जाँच होनी चाहिए। मेरे को तत्काल गिरफ्तार कर लिया और यहाँ भेज दिया, तो मैं इसके खिलाफ हूँ और इसके तुरंत मतलब मांग करता हूँ कि जांच होनी चाहिए ताकि सच का सच और झूठ का झूठ हो सके। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी हुआ तो वो भी कार्रवाई होनी चाहिए उन पे, मतलब कि किसने मतलब वीडियो डाला था। हमने तो फॉरवर्ड कर दिया जैसे कि दिग्विजय सिंह जी ने करा, बहुत सारे लोगों ने करा, जिसने एडिट करा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर तत्काल पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और कहाँ से वीडियो वायरल हुआ, कैसे हुआ, किसने एडिट करा, किसकी भाषा है, किसने करा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या लगता है राजनीति की दुर्भावना के तहत ये कार्रवाई की गई? बिल्कुल राजनीति की दुर्भावना। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, तो मेरे पे कार्रवाई तत्काल हो गई। बाकी बहुत सारे और भी वीडियो वायरल हो रहे हमारे कांग्रेस के नेताओं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन पर मतलब एक्शन ही नहीं लिया जाता है। सरकार दो तरह का व्यवहार कर रही है हमारे साथ। कितने दिन आपको जेल में रहना पड़ा? यहाँ चौथा दिन था मेरा, हाँ चौथा पांचवा दिन है सर। एक दिन थाने में रहे। खबर मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।